सरोकार। महाराष्ट्र के फ्लोर टेस्ट पर आज होगी सुप्रीम सुनवाई। शिंदे को 3 बजे गोवा के लिए होगा रवाना। उदयपुर में युवक की हत्या के बाद यूपी में अलर्ट। नूपुर शर्मा के समर्थक की हत्या। पुलिस ने सोशल मीडिया पर बढ़ाई निगरानी। बीजेपी के लखनऊ में आज होगी बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 में बनेगी रणनीति। हारी हुई सीटों पर होगी खास चर्चा। बच्चों के टीकाकरण में लखनऊ टॉप 3 पर। 4 महीने पहले तक 53वें स्थान पर था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दौरे के बाद लगातार हो रहा सुधार। यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। लखनऊ समेत 44 जिलों में अलर्ट। नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। उदयपुर की घटना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि उदयपुर की घटना बहुत ही दुखद है और हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, साथ ही अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस को अपने राज्य की सरकार पर भी ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के पीड़ितों के साथ खड़ी है। राजस्थान की घटना बहुत ही दुखद है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और वहाँ के जो अधिकारियों ने लापरवाही बरती उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। और कांग्रेस को अपने राज्य की सरकारों पर ध्यान देना चाहिए। वहाँ पर बहुत ही दुखदायी स्थिति है, लोग परेशान हैं और हमारी पार्टी पूरी तरह से वहाँ के पीड़ितों के साथ खड़ी है, पूरे राजस्थान के। संगम नगरी प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसा के मामले में 2 आरोपियों की पुलिस रिमांड कस्टडी मंजूर कर ली गई है। प्रयागराज पुलिस ने 2 दिन पहले मास्टरमाइंड जावेद पंप की पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था, जिसके बाद अब पुलिस ने जेल में बंद 2 आरोपियों को रिमांड पर लेकर कई पॉइंट पर सवाल खड़े करेंगी। साथ ही सवालों से प्रयागराज के हिंसा का रास खोलने का प्रयास में पुलिस जुटी है। आपको बता दें कि रिमांड पर लाए गए अखलाक अली और मोहम्मद रहमान से प्रयागराज अटाला हिंसा को लेकर कई बिंदुओं पर पूछताछ की जाएगी। सूबे की राजधानी लखनऊ में बीते 3 दिन पहले ठाकुरगंज इलाके में दहशत का माहौल बनाने वाले 2 और वांछित अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आपसी विवाद के कारण इलाके में बदमाशों द्वारा गोली चलाई गई थी, जिसमें पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने पूर्व में 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तो वहीं अब ADCP वेस्ट चिरंजीव नाथ सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बाकी बचे 2 अपराधियों को अब पकड़ लिया गया है और उनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। कठोर से कठोर धाराओं में इनके अगेंस्ट कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है और जो टीम जिसने अरेस्ट किया है, जिसमें इंस्पेक्टर ठाकुरगंज साहब और रमापति सिंह और सब इंस्पेक्टर पवन, रजत, अभिषेक और त्रिभुवन, जिन्होंने ACP चौक के नेतृत्व में कॉन्टिन्यूस ACP चौक का इस घटना की मॉनिटरिंग की और इसी का परिणाम है कि आज 2 ढाई दिनों में ही जितने अभियुक्त हैं इससे अकाउंट फॉर हुए हैं और इन दोनों अभियुक्तों के पास से नाजायज तमंचे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुआ है, उसके संबंध में अलग से पृथक अभियोग पंजीकृत। गाजियाबाद की खोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष रीना भाटी, अधिशासी अधिकारी KK मिश्रा और सेनेटरी इंस्पेक्टर संजीव वाना ने अपनी पूरी टीम के साथ खोड़ा कॉलोनी में लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए शपथ दिलाई और उनको जागरूक भी किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 29 जून से 3 जुलाई तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।
खबर गोंडा जिले से है, जहां पर विकास खंड कटरा बाजार की ग्राम पंचायत रायपुर में दबंग कोटेदार के राशन में घटतौली करने का मामला सामने आया है। तो वहीं कार्ड धारकों का आरोप है कि कोविड काल में सरकार द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र पर निशुल्क वितरण होने वाले स्कूली बच्चों के राशन को भी कोटेदार नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही कोटेदार एक यूनिट पर लगभग 1 से 2 किलो राशन की कटौती कर लेते हैं। इसके अलावा कार्ड धारकों का ये भी आरोप है कि विभागीय संरक्षण मिलने से भ्रष्ट कोटेदार राशन बांटने में धांधली कर रहे हैं। रायबरेली पुलिस और एसओजी टीम को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर एक मशहूर टप्पेबाज के सूची क्षेत्र में होने की खबर मिली है। जानकारी मिलते ही एसओजी प्रभारी अमरेश त्रिपाठी अपनी टीम के साथ सलोन थाना क्षेत्र के सूची पहुंचे, जहां पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर युवक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन युवक ने पुलिस को देखकर गोली चला दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई और बदमाशों के में गोली लग गई, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। पकड़े गए टप्पेबाज पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। अभी आपको कुछ दिन पहले ही थाना कोतवाली और थाना सलून के एक मुकदमे में दो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे, उनमें से एक व्यक्ति फरार हो गया था और ये लोग मशहूर टप्पेबाज हैं और लूट और टप्पेबाजी का काम करते हैं। इसमें से जो व्यक्ति फरार था उसकी सूचना आ गई थी कि ये सूची क्षेत्र में कहीं देखा है, तो इस सूचना पर इंस्पेक्टर सलून द्वारा कंप्लीट जन सूची द्वारा और जो हमारी एसओजी टीम है इनके द्वारा वहाँ पर चेकिंग लगाई गई और वहाँ एक बिना नंबर की गाड़ी पर एक व्यक्ति को सवार लेके उसको रोकने की कोशिश की, तो उसमें जो है वो पुलिस पार्टी को करता है और पुलिस ने भी अपने आप अच्छा उसमें होनी चाहिए, जिससे वो घायल हो गया और उसको तुरंत तत्काल सीएससी सबूत लेकर बुलाया गया और उसके बाद उसको। खबर प्रयागराज जिले से है, जहां पर यमुना पार करछंदा थाना क्षेत्र के डीहा उपहार गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक युवती के शव को उसके परिजन मृत अवस्था में 5 दिन तक घर के अंदर रखकर पूजा पाठ करते रहे। वहीं शव से बदबू आने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घर के अंदर जाकर देखा तो मृत युवती के शव के पास तंत्र विद्या का ढोंग रचाया गया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लड़की की शादी हुई थी, जब से इसका शादी से लौट के आई इसका थौना नहीं हुआ, थौने के बाद से इसका मानसिक स्थिति खराब हो गई है। जहाँ इसकी शादी की गई थी वहाँ से कुछ मामला विवाद हुआ था, तो उससे इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई, एकदम पागल टाइप की हो गई है। घर वालों को भूत प्रेत के चक्कर में फंसा के रखी है, न तो कोई घर वालों को खाना खाने देती है, न पानी पीने देती है। डीहा घाट से करीब यहाँ बस्ती से 5-4 किलोमीटर दूरी से गंगा जल लाती है, वहीं से खाना बनाएगी, वहीं से नहाएगी और वहीं पीने के लिए देगी। एक टाइम भोजन दिया जाता है, जिससे करीब 7 लोगों की संख्या है, 7 लोगों में से सबका वजन घट करके। अमेठी जामो थाना क्षेत्र के पूरे शिव सहाय पांडे मजरे बर्रा में खेत में मेड़बंदी करा रहे अधेड़ पर जमीनी विवाद के चलते 4 लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। वहीं इस हमले में अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे परिजनों द्वारा सीएचसी जामो भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने के बावजूद इस मामले का कोई हल नहीं निकल सका। इनका हमारे पिताजी के सगे भाई हैं, लोग हम लोगों को गांव से भगा दिए हैं और आज 3 सालों से कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और हमारा घर के रास्ते पे सरकारी खरंजा, उस पर दीवार खड़ी कर दिए हैं, नापदान बंद कर दिए हैं और उसके बाद भी हम लोग सक्षम में बैठे थे 2 साल से। आज अपना खेत पिताजी हमारे अपने खेत में मेड़ बंधवा रहे थे मज़दूरों को लेकर, उसके बाद ये लोग गए और ज़बरदस्ती उनको मारे पीटे राग और लाठी डंडों से और हाँकी लेके। 4 लोग थे, आशीष पांडे, श्री प्रकाश पांडे, त्रिवी नारायण पांडे और रामोद पांडे। किस गांव का मामला है? पूरे शिवसा पांडे मजरे बर्रा तहसील गौरीगंज। इसकी शिकायत कहीं पे आपने? इसकी शिकायत हमने डीएम, एसडीएम, सीओ, एसपी और मुख्यमंत्री पोर्टल सब पे किया, लेकिन आज तक।
शहर के सियाना कोतवाली पुलिस की बीवी नगर रोड पर बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जहां पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घायल हो गए हैं। घायल बदमाशों पर 20,000 रुपए का इनाम है। वहीं पकड़े गए बदमाश के पास से कारतूस और असलहे भी बरामद हुए हैं। सियाना पुलिस कल रात में अपने संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, उनको रोकने का प्रयास किया गया तो वो भागने लगे और पुलिस पर फायर कर दिया। काउंटर फायरिंग में पुलिस द्वारा वो घायल हो गए, उनके पैर में गोली लगी है, इन्हें अस्पताल भेजा गया है और उनका इलाज कराया जा रहा है। जब उनसे पूछताछ की गई तो पता लगा कि वह 20,000 रुपये के इनामी हैं, जो खुर्जा नगर में गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित थे। यह एक बहुत बड़ी सफलता सियाना पुलिस की है और उनको इसके लिए जो 20,000 के नाम घोषित किया गया वो नाम। गाजियाबाद में नंदग्राम थाना क्षेत्र के हिंडन विहार इलाके में एक शख्स ने अपनी ही पत्नी के बार बार मायके जाने को लेकर बड़ी बेरहमी से पिटाई की। इसके साथ ही पति ने पत्नी पर एक के बाद एक पेट और गले पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिसके बाद पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घायल महिला को गंभीर हालत में पटेल नगर के सुशीला हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है। एक पेशेंट आए थी, रईसा नाम से पेशेंट है, 65 ईयर्स उम्र है उनकी। वो आई थी यहाँ पे, उनके हस्बैंड ने किसी ने उनको चाकू मारे हुए हैं, चाकू उनके गाल पे हैं और पेट पे लगे हुए हैं। स्थिति गंभीर स्थिति में यहाँ पे आई थी, सेमी कॉन्शियस स्टेट में थी जब यहाँ पे आई। अभी कंडीशन तो अच्छी नहीं है पेशेंट की, डॉक्टर ने देखी है, डॉक्टर जो ENT सर्जन है उन्होंने देखा है, स्टिच लगाए हैं उनको, टाँके लगाए हैं और जनरल सर्जन ने देखा है उनको। अभी उनका उनकी स्थिति तो अभी अच्छी नहीं है, पेशेंट अभी ICU में एडमिट है। ये मेरी सास हैं, मैं दामाद हूँ। क्या नाम है? रईसा बेगम। क्या मामला? मामला कुछ नहीं, बस आपस में छोटा मोटा बस नोक झोंक का कुछ मामला था, वो थोड़ा सा करते करते वो बढ़ता चला, बढ़ गया आपस में, बस यही था। उनके हाथ में कोई घर पे खाना बनाने वाली कोई खाना सब्जी काटने वाली सब्जी छुरी लग गई, वो गुस्से में वो मार दी बस। कैसी हालत है उनकी? अभी तो डॉक्टर बता रहे हैं कि अभी ठीक है, कोई इतनी। खबर हरदोई से है, जहां पर कासिमपुर थाना क्षेत्र के हिया गांव में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो वहीं लड़की के पिता ने ससुराल जनों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने अपनी बेटी की शादी में अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था, लेकिन दहेज के लोभियों ने दहेज की खातिर मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पिता की शिकायत पर पुलिस ने सास ससुर और पति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की में जुट गई है। घटना भैया यही है कि जो है हमारी लड़की यहाँ शादी हुई थी 17 फरवरी 2022 को। उसके बाद जो है ये लोग जो है मांग जांच की मोटरसाइकिल, हमने कहा ले लो 5 लाख रुपया प्लस जो है जमीन, यही मारे जो है हमारी बिटिया मार दी है, हम दे नहीं पावा जो है। और दहेज भी जो है हमने इनको जो हमसे हुआ। खबर हरदोई जिले से है, जहां पर बिलग्राम नगर क्षेत्र के मोहल्ला बजरिया में कन्या जूनियर हाई स्कूल में खाना बनाते समय सिलेंडर लीक होने से आग लग गई, जिससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं धमाके की आवाज सुनकर अध्यापकों ने आनन फानन में बच्चों को क्लासरूम से बाहर निकाला। उसके बाद स्कूल इंचार्ज प्रधानाध्यापक अनिल कुमार ने सूझबूझ दिखाते हुए अग्निशमन उपकरण से छिड़काव किया, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। मैं क्लास में था, बच्चों को पढ़ा रहा था, तो ये कहीं सिलेंडर जो है लीक कर गया सिलेंडर से, और मैंने सिर्फ आग देखी। जैसे मैं आवाज़ सुनी मैंने, तो सबसे पहले मैंने बच्चों को निकाला, क्योंकि बच्चा आज काफ़ी संख्या में आया था, 150 के आसपास बच्चा था, 150 से ऊपर ही था, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता थी बच्चों किसी से निकाला जाए। तो सबसे पहले मैंने सारे बच्चों को निकाला, फिर किसी ने कहा कि एक बच्चा फंसा हुआ है, फिर रसोईया हमारे यहाँ पुनीता बड़ी बहादुरी के साथ, हमारे पुनीता जो है कमरे में जाकर बच्चे को देखा, कोई नहीं था, हर कमरे को चेक किया, और फिर हम सारे लोग स्टाफ के साथ बाहर निकल गए, सब पुलिस को इन्फॉर्म किया, स्टाफ को इन्फॉर्म किया, अपने विभाग को इन्फॉर्म किया।
खबर जनपद संभल से है, जहां पर असमोली थाना क्षेत्र के खानपुर बन में एक महिला और उसकी बेटी को ससुराल जनों ने घर से बेघर कर दिया, जिसके बाद महिला अपने मायके पहुंची और सारी बात अपने घर वालों को बताई। पीड़ित महिला के पिता ने उसके जेठ और ससुर पर आए दिन गाली गलौज करने और घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत थाने में जाकर की गई। अब देखना यह होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।